गाइस हम लोग जल लेकर अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे देवघर के लिए। रात में ही देवघर पहुँच जाएंगे लगभग में 4 बजे। उसके बाद लाइन लगाएंगे और उसके बाद सुबह जल चढ़ाएंगे। बम लहरी सॉन्ग। गाइस अभी हम लोग जल लेकर आ रहे थे वहाँ से, तो अभी रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे। नींद टाइप का लग रहा है, आँख में थोड़ा सा अंधियाला नींद छेक रहा है, तो चाय पीकर थोड़ा नींद को हटाएंगे। अभी बज रहा है 2 और फिर भी शिवम बात कर रहा है रात में। 2 नहीं, बस 12:30 बजे। रात में 2 बजे कहाँ बात कर रहा होगा, आप सब जान ही रहे हैं। शिवम आ जाओ, ले लो एक प्याला चाय, मजा आ जाए। गाइस अब यहाँ से चाय पीकर हम लोग निकल गए हैं, अब सीधा देवघर। रात का ढाई बज गया, जो मजा आ रहा है ना। जय जय बम लहरी। गाइस हम लोग देवघर पहुँच ही गए हैं, हम लोग का गाड़ी उधर ही रोक दिया गया है। 10 किलोमीटर से पैदल चल रहे, थक गए पूरा। तो ये कवरिया लोग आ रहे हैं, अब हम लोग भी मंदिर पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा दूर और। बोल बम। हमारा जिंदगी का एक के मकसद है बाबा के पास पहुंचना, और थोड़ी देर में हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। बोल बम। गाइस भीड़ है, भीड़ इतना भीड़ है कि आपका बच्चा यहाँ भुला जाएगा, बच्चा क्या बाप। और सबका ड्रेस एक ही है गाइस, पता नहीं चलेगा कौन कौन है, कौन कौन बम है। हाँ, कौन कौन बम है कुछ पता नहीं चलेगा है। सबका ड्रेस एक ही है, सबका मकसद एक ही, मकसद यही कि बाबा पे जल चढ़ाना है। एक क्या मकसद है सबका यहाँ। तो हम लोग स्नान कर लिए शिव गंगा में, अब यहाँ से संकल्प करवाना होगा। बाबा के पास पहुँचेंगे कुछ देर में हम लोग, बाबा से फेस टू फेस मिलेंगे, जो भी मनोकामना है वो मांगेंगे कि पूरा हो जाए। आप लोग के लिए भी मांग लेंगे गाइस। बोलबम के नारा बाबा एक सारा बा। गाइस अगर बोलबम आते तो 4 बार पूछ ले कि मंदिर किधर है, क्योंकि यहाँ 4-5 रास्ता है, आप लोग कहीं भटक जाइएगा तो मालूम चला 1 घंटा का रास्ता 2 घंटा हो गया। गाइस बोलबम का भीड़ है, सोमवार के दिन सोमारी है आज, देखिए भीड़। बोलबम बोलबम बोलबम। गाइस हम लोग पहुंच गए बाबा धाम। गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठेलम ठेली हो रहा सिर्फ। हमारा एक के मकसद है बाबा के पास जाना, हम जाएंगे बाबा के पास जाएंगे। गाइस तो हम लोग जल चढ़ा दिए, बहुत भीड़ है। गाइस प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बासुकीनाथ निकलेंगे यहाँ से। गाइस झोला भर प्रसाद ले लिया, एक झोला पूरा भारी है, ये देखिए सब कोई प्रसाद लिए हुए। अभी ले रहे हैं बाला चूड़ी भाभी के लिए, और हम ले रहे एक कड़ा, मोलाई करवा रहे हैं, पैसा नहीं बचा। थक गए हम लोग, तेरे बाइक ले लिए हैं, ये 50 रुपया लेंगे, बस स्टैंड जहां हम लोग का कार खड़ा है वहां पहुंचा देंगे। शिवम तुम थका कि नहीं? नींद आ रहा बहुत। नींद आ रहा है, तुम तो सो के आया ना यार। अच्छा सॉरी, चाहिए मगर अभी तो यही बम हम लोग को बाइक से बस स्टैंड छोड़ रहे हैं। तो बोलिए जय बोलबम। जय बोलबम। जय बोलबम। गाइस हम लोग अब बोलबम से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, बहुत थक गए हैं सब कोई, अब यहाँ से बासुकीनाथ जाना है। तो कौन पहाड़ जाना है? अभी भी तो सोच रहे हैं चिरकुट। अरे चिरकुट पहाड़ जा रहे हैं। चिरकुट नहीं रे, तिरकुट, तिलकुट बोल रहा है, चिरकुट बोल रहा है, तिरकुट बोल रहा है, क्या है? तिरकुट पहाड़ किधर है, कौन पहाड़ है? तिरकुट पहाड़ है बगले में है। हाँ। वो बंद हो गया है, डोली उली डोलिया बंद हो गया, वही जो हादसा हुआ। हाँ उसी से ना। अच्छा अच्छा, अरे अच्छा सुनो ना जी,
बोल रहे हैं यहाँ पेड़ा कहाँ मिलेगा एकदम बढ़िया पेड़ा ये घुड़मुड़ा में क्या घुड़मुड़ा में कौन सा दुकान है? हाँ सुखाड़ी मंडल सुखाड़ी मंडल ना सुखाड़ी मंडल। अच्छा बासुकीनाथ कहाँ है? बासुकीनाथ यहाँ है लगभग 25 किलो। अच्छा ठीक 25 किलोमीटर। साला बासुकीनाथ बोल ही नहीं पा रहे थे भाई, खतरनाक तो ला गया था। अच्छा तिरकुट पहाड़ यही है ना? हाँ यही हम बोलिए। चलिए आ जाओ, मालूम है बासुकीनाथ से पहले इस जगह पे आइएगा ना तो आदमी लोग पेड़ा लेने कैसे बुलाएगा, कैसे बुलाता है पेड़ा लेने के लिए यहाँ पे हाथ से कैसे बोलता है? पूरा यहाँ से लेके वहाँ दूरे से बुलाएगा गाड़ी से, आइए आइए आइए। तो गाइस हम लोग ले लिए हैं अभी बासुकीनाथ से पेड़ा, और आप बासुकीनाथ आइएगा कार से पैदल कभी भी तो आपको ऐसे बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा? ऐसे करके, ना आपको जाने का ना पहचाने का, डायरेक्ट ऐसे करेगा धीरे 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 ऐसे, और एक पेड़ा आपके मुंह में डाल, और एक पेड़ा आपके मुंह में ऐसे डालेगा कि आपको लेना ही पड़ेगा।